खबर पंचायत में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजमेर के पीसांगन में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय बेहोश हुए किसान की मौत हो गई। आपको बता दें कि तीन दिन पहले फसल में छिड़काव करते समय किसान बेहोश हो गया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। भरतपुर के वैर कस्बे की भुसावर दरवाजा बाहर स्थित मुहारी कैनाल में दो भाई अनियंत्रित होकर गिर गए, जिसे स्थानीय लोगों ने समय रहते डूबने से बचा लिया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि दोनों भाई साइकिल से मुहारी कैनाल पर होकर गुजर रहे थे, तब दोनों भाई साइकिल सहित कैनाल में भरे पानी में गिर गए, जो कि करीब 12 फीट गहरी थी। हनुमानगढ़ संगारिया के निकटवर्ती गांव मानकसर में सेना के दो लोडिंग ट्रक की आमने सामने भिड़ंत होने से एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में दोनों वाहन आगे से क्षतिग्रस्त हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसा भयानक था। गनीमत रही कि एक ट्रक चालक को गंभीर चोटें आई, जिसे इलाज के लिए राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। झुंझुनू के खेतड़ी बाकोटी वन क्षेत्र में अज्ञात कारणों से आग लगी, लोगों में दहशत फैल गई है, जहां मौके पर क्षेत्र नायाब तहसीलदार और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। आग लगने से मौके पर पहुंची दमकल ने दो घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, हालांकि अभी तक आग के कारणों का पता नहीं चल पाया। भीलवाड़ा के बिजौलिया में पुलिस ने सट्टे की पर्चियां काटते हुए 7 जनों को गिरफ्तार किया। एएसआई ने बताया कि किशन निवास चौराहे पर सट्टे की खाई वाली करने पर दो अलग अलग मामलों में 7 जनों को गिरफ्तार कर कुल 13,600 रुपए की नकदी बरामद की गई है। हनुमानगढ़ के रावतसर में दहेज के एक मामले में पिछले 7 सालों से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को स्थानीय पुलिस ने उसके गांव पंजाब से छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वारंटी बोर्ड सिंह उर्फ गुरुचरण पुत्र दलबीर सिंह को उसके गांव के मकान से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी दहेज के मामले में तारीख पेशी पर अदालत में पेश नहीं होने पर उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका था। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में बिजली उपभोक्ताओं को लाखों की चपत लगाकर फरार हुए ई मित्र संचालक को पुलिस ने राउंड अप कर लिया। वहीं प्रकरण में कुछ और युवकों का भी नाम आने की संभावना है। गौरतलब है कि गुरुवार को मित्र संचालक की ठगी का शिकार हुए उपभोक्ता ओम प्रकाश ने थाने में उनके खिलाफ धोखाधड़ी कर बिजली का बिल राशि हड़पने का आरोप मुकदमा दर्ज करवाया। हनुमानगढ़ के नोहर में सिंचाई से वंचित गांवों को जोड़ने की मांग को लेकर 6 दिनों तक पानी की टंकी पर चढ़े किसानों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। शनिवार को 11 किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार, जमानती मुचलके भरवाकर सभी किसानों को रिहा कर दिया। जानकारी के अनुसार जलदाय विभाग की ओर से पानी की टंकी पर चढ़े किसानों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। टोंक के देवली में रोजाना व्यर्थ पानी बहने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी शिकायत ग्रामीण कई बार जलदाय को कर चुके थे, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि बस स्टैंड सहित आधा दर्जन स्थलों पर लीकेज से रोजाना हजारों गैलन पानी बह जाता है, लेकिन जल विभाग है कि अभी लापरवाह बना हुआ है। टोंक के देवली में खाली पड़ी टंकियों से जनता को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है, जहां एक माह से टंकियों में पानी नहीं भरा गया, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने शिकायत की, कई बार शिकायत के चलते उच्च अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे, जहां मजबूर ग्रामीणों को फ्लोराइड का पानी पीना पड़ रहा है। अलवर रामगढ़ कस्बे के बस स्टैंड पर एक बार फिर अतिक्रमण होने लगा है, जिसके एक सप्ताह पहले प्रशासन ने हटाया था, जहां फिर से कस्बे वासियों ने परेशानी के चलते प्रशासन को अतिक्रमण हटाने की मांग की है। बाड़मेर के सिवाना में उपखंड क्षेत्र के आदर्श स्कूल खेल मैदान में जड़िया व बबूल के पेड़ लगे होने के कारण मैदान में कोई खेल प्रतियोगिता आयोजित नहीं हो सकी। इस कारण सिवाना क्षेत्र की कोई प्रतिभा आगे नहीं आ सही पा रही है। विद्यार्थियों का कहना है कि खेल मैदान के अभाव में वो खेल नहीं पा रहे। जयपुर के सांभर लेक में सांभर को जिला बनाने की मांग को लेकर कस्बे के लोगों ने सांभर जिला बनाओ अभियान के बैनर तले चौहान वंश की कुल देवी मां शाकंभरी के मंदिर में जाकर विशेष पूजा अर्चना की। चुनरी उड़ाई और माता शाकंभरी से सांभर लेक को जिला बनाने की मन्नत मांगी। इस अवसर पर पंडित रामजी शर्मा ने माता को विशेष पूजा अर्चना करी और इस बजट में सरकार को सांभर लेक जिला घोषित करने की अरदास की। इस मौके पर सांभर लेक के पालिका अध्यक्ष विनोद कुमार सांभरिया, उपाध्यक्ष विजय प्रजापत, सांभर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सत्यनारायण गोयल सहित अन्य
पार्षद जनप्रतिनिधि सहित सैकड़ों महिलाएं मौजूद रहीं। इस अवसर पर सभी उपस्थित लोगों ने मां शाकंभरी से एक स्वर में मांग की कि इस बार सांभर को जिला बना दिया जाए तो सांभर सहित आसपास के पूरे क्षेत्र में लोगों को लाभ होगा तथा जयपुर जिले का भार कम होगा। अजमेर के पीसांगन में शुभम गुरुकुल माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि सरपंच रामचंद्र कुमावत ने अध्यक्षता की। वहीं सेवानिवृत्त प्रधान आचार्य नेमी चंद्र गुजराती ने भी परीक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की, साथ ही विद्यार्थियों ने डीजे साउंड पर मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। भरतपुर वैद्य छात्र के गांव छोकवाड़ा कला में राशन डीलर द्वारा गरीब परिवारों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा गेहूं घुन लगा हुआ दिया जा रहा है। सड़ा हुआ गेहूं ग्रामीणों को दिया जा रहा है, जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भरतपुर के डी कस्बे के विभिन्न वार्डों में डीलरों की मनमानी से वार्डों के लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों की शिकायत है कि डीलर दिन में तो कैरोसिन की दुकान खोलते नहीं और रात में तेल को ब्लैक में बेचते हैं और अधिकारी इस मामले पर कार्यवाही नहीं करते। हनुमानगढ़ के टिब्बी कस्बे स्थित पुलिस थाना परिसर में शनिवार को एएसपी निर्मला विश्नोई ने निरीक्षण कर सीएलजी की बैठक ली। इसमें सदस्यों ने कानून व्यवस्था जन समस्याओं को लेकर सुझाव दिए। बैठक में बोर्ड परीक्षा के दौरान लाउड स्पीकर की रोकथाम करने की मांग उठी। साथ ही शिक्षण संस्थाओं की छुट्टी के समय छात्राओं का पीछा करने कमेंट करने वाले असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने सहित कई मांगे उठाई गई। करौली के टोडा भीम में मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर का आयोजन कलेक्टर परिसर में होगा, जहां शिविर में सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इस कल्याणकारी शिविर में जिला एवं सेशन न्यायाधीश के जज करौली सहित जिला कलेक्टर मनोज शर्मा मौजूद होंगे। हनुमानगढ़ भादरा में विधिक जागरूकता टीम की ओर से शनिवार को ग्राम डाबड़ी भिरानी में मोबाइल वाहन लोक अदालत वाहन के माध्यम से विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। इस शिविर में पैनल अधिवक्ता विक्रम यादव, सुशील शारदा ने ग्रामीणों ने बाल विवाह, दहेज प्रथा, जल संरक्षण, राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। भरतपुर के डीग ब्रज में 84 कोस के मंदिरों में फाल्गुन की रंगत दिखने लगी है, जहां 5 मार्च से ब्रज की लड्डू होली का उत्सव प्रारंभ होगा। वहीं बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लड्डू मार होली 6 मार्च को मनाई जाएगी। झुंझुनू उदयपुर वाटी क्षेत्र के बागोरा व छापोली गांव में सैनी समाज के अध्यक्ष पद का चुनाव किया जाएगा। इसी दौरान सैनी समाज के कई गणमान्य लोग मौके पर मौजूद रहेंगे। सैनी समाज के अध्यक्ष दौलत राम सैनी ने बताया कि सामाजिक सुधार के क्षेत्र में कई कार्य किए जाएंगे, जिससे सामाजिक सुधार की ओर अग्रसर किया जाए। बीकानेर के नौखा में कस्बे के गुरु जम्मेश्वर की पावन धारा मुकाम में विष्णुई समाज महाकुंभ फागणिया मेला पर्व मनाया गया। आज अमावस्या शुरू होने के साथ ही श्रद्धालु समाधि मंदिर की ओर उमड़ने शुरू हो गए। गुरु जम्मेश्वर के जयकारों के साथ ही श्रद्धालुओं ने समाधि पर धूप लगाकर मन्नत मांगी। मंदिर परिसर में बने हवन कुंड में घी की आहुतियां दी गई। मेला परिसर में चहू और धवल वस्त्रधारी पुरुषों और रंग बिरंगे परिधान पहनी महिलाओं और बच्चों की भीड़ लगी रही। इस अवसर पर एक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें समाज की कुरीतियों को दूर करने पर चर्चा की गई। चलिए समय एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा।